पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अस्थायी समिति की बैठक में आनंद विहार की निगम पार्षद गुंजन गुप्ता ने डी सीलिंग का मुद्दा उठाया। पार्षद गुंजन गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक पूर्वी दिल्ली में डी सीलिंग की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बेसमेंट में लोगों ने एक दो कमरे जो बनाए रखे थे उनमें कुछ लोगों का सामान भी पड़ा है, वो भी खराब हो रहा है, इसलिए दिवाली से पहले सभी को डी सील किया जाए। जनवरी 2018 में दिल्ली सरकार की नाकामी के चलते सीलिंग की तलवार पूरे दिल्ली पर गई। बहुत सारा जो स्टेट में पार्किंग में शोरूम बने हुए थे, किसी भी तरह के गार्ड रूम बने हुए थे, सर्वेंट रूम बने हुए थे, उन्हें सील किया गया। बहरहाल मई 2018 में मैंने खुद सदन में प्रस्ताव लगाया और स्टेट पार्किंग के अंदर एक कमरे को पास कर दिया गया। उसके बाद स्टेट पार्किंग के कमरों की सीलिंग नहीं हुई। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो कमरे सील हुए थे, पार्किंग में जो कमरे सील हुए थे, अपने वार्ड